जय हिंद साथियों, मेरा नाम है सलमान मिर्ज़ा और मैं आप सभी का सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपने उत्तर प्रदेश पुलिस में 49,568 में जो हमारे पीएससी के अभ्यर्थी मेडिकल के लिए बचे हुए हैं, आज हम लोग उनके लिए बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडिकल के बारे में, जितनी भी सीरीज थी आइज़ पर, आई साइट पर, नोकनी पर, फ्लैट फुट पर, मैं आप लोगों के लिए सब कुछ बना चुका हूँ। डॉक्यूमेंट के ऊपर भी मैं आप लोगों को वीडियो बना चुका हूँ। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप लोगों का मेडिकल वेडिकल सब कुछ पूरा हो जाता है तो आप लोगों को पता कैसे चलता है कि क्या प्रक्रिया होती है वहाँ पर बताने की कि कौन पास हुआ है और कौन फेल हुआ है। बड़ा एक्साइटेड समय होता है वो, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे हम लोग एफिडेविट आप लोगों ने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में बहुत लोगों की गलतियाँ हैं, तो क्या आप लोगों ने अपना एफिडेविट बनवा लिया है, और अगर नहीं बनवाया है तो आप लोगों को कैसे बनवाना है और क्या क्या चीज़ों को उसमें ज़रूरी ध्यान रखना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी छोटी मोटी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं नहीं तो कोई ना कोई आपको वहाँ पर जवाब दे ही देगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो जो पीएससी से रिलेटेड हो आप उससे वंचित ना रहे, आपको वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में मिल ही जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपको मेडिकल में पता कैसे चलता है कि आप लोग अब पास हो गए या फेल हो गए, क्या तरीका होता है वहाँ पर बताने का। तो सबसे स्टार्टिंग में क्या होगा, जब आप लोग मेडिकल के लिए जाओगे, मेडिकल जब आप कर रहे होंगे, मेडिकल होने के बाद एक्चुअली में आप सुबह वहाँ पहुँच जाओगे। मेडिकल आपका कम से कम 1 बजे करीब शुरू होता है। बहुत टाइम लगता है, बहुत लेट होता है, क्योंकि डॉक्टर्स तो बहुत लेट आते हैं, वो अपने वही उनकी आदत होती है 10-11 बजे आने की, उनका काम होता है उसी टाइम वो आते हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले आप लोगों का 1:30-1:30 के करीब आप लोगों का मेडिकल शुरू होगा, और बहुत टाइम लगता है आप लोगों को, आराम से 3:30-4 बज जाते हैं मेडिकल, या उससे भी ज़्यादा लग जाता है आपको, 5 बज जाते हैं क्या होते होते मेडिकल होते होते। मेडिकल होने के बाद आप लोग जहाँ पर आपने शुरू में बैठ के अपने फॉर्म वॉर्म सब भरे होंगे, आप लोगों को वापस वहीं पर लाकर बिठा दिया जाता है, और आप लोगों को बिठा दिया जाता है वेट करने के लिए कि अब आपका रिजल्ट आएगा। तो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड समय होता है कि चाहकर भी वहाँ पर इतनी शांति होती है कि कोई बोल भी नहीं रहा होता है। अदरवाइज जहाँ पर लड़के बैठे होते हैं वहाँ इतनी बातें होती हैं, लेकिन उस समय पर कोई भी बातें नहीं कर रहा होता है। सबके मन में यही होता है कि यार बस अभी रिजल्ट आएगा, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है किसी को पता ही नहीं चल रहा होता है कि अच्छा, क्योंकि जब आप मेडिकल में गए होते हैं तो आपको देखने के बाद ये नहीं बताते हैं वहीं तुरंत कि आप लोगों का ये सही नहीं है वो सही नहीं है, बस आपको देखते हैं और पॉइंट लिख लेते हैं। अब आपको ये पता ही नहीं है कि वो मेरा सही लिखा है गलत लिखा है, कुछ पता नहीं होता इस बारे में। तो फिर एंड में क्या होता है कि वहाँ पर जब मेडिकल वेडिकल के लिए सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद लिस्ट बनने के बाद वहाँ पर क्या होते हैं कि 4-5 कॉन्स्टेबल और एक डॉक्टर आते हैं, वहाँ पर आते हैं, आप लोगों के सामने खड़े होते हैं, और वो बोलते हैं कि इतने बच्चों में से इतने बच्चे क्या हुए हैं री मेडिकल के लिए, यानी कि यहाँ पर अभी फेल हो गए। अब लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक को लग रहा होता है कि कहीं मैं नहीं हूँ, कहीं मैं ना हूँ, कहीं मैं ना हूँ, सबको लग रहा है कि कहीं मैं ही हूँ। तो सबकी सबकी क्या बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, और फिर वो क्या करते हैं एक एक का उनका नाम लेते हैं जो फेल हुए होते हैं। क्योंकि अगर 100 बच्चे स्टार्टिंग में गए हैं तो उनमें से 11-10, क्योंकि जब मैं गया था तो 100 बच्चों में 11 बच्चों को रीमेडिकल के लिए बोला हुआ था उन्होंने, तो वो उनका नाम ना बताकर जो पास हुए हैं उनका नाम लेते हैं वहाँ पर जो फेल हुए होते हैं विद उनके नंबर। क्योंकि आप जब स्टार्टिंग में जाते हो आप लोगों को अपना चेस्ट नंबर वहाँ पर मिल जाता है, तो वो स्टार्टिंग से बताना शुरू करते हैं और इस तरीके से आप लोगों को बता देते हैं कि इस चेस्ट नंबर में ये नाम सन ऑफ ये, पूरी की पूरी 8-10 जितने बंदे फेल हुए होते हैं उनका नाम ले देते हैं, और जितने भी और बच्चे बचे हुए होते हैं वो सब के सब क्या मान ले जाते हैं, पास मान ले जाते हैं। और उसके बाद बाहर गेट पर एक क्या लगा दी जाती है, लिस्ट लगा दी जाती है, जाते वक्त आप उसको भी अपना चेक कर सकते हैं। तो ये तो प्रोसेस होती है आपको मेडिकल में बताने कि आप पास हुए या फेल। चलो ये बात होगी। दूसरी बात अब हम लोग कर लेते हैं मेडिकल के एफिडेविट के बारे में, जिन लोगों की कहीं ना कहीं किन्हीं चीज़ों में गलतियों में, यानी एफिडेविट तो बनवाना ही पड़ेगा। एफिडेविट से ये हो जाता है कि अगर आपने कोई गलती करी हो तो आप अपनी उस गलती को सुधार रहे हैं, और अगर आपका कोई रोल नंबर गलत, नाम गलत, या आपने कोई डिस्ट्रिक्ट गलत डाल दी, या कोई गाँव का नाम नहीं डाला, तो इन चीज़ों कारणों की वजह से आप लोगों को बाहर नहीं किया जा सकता है। आप लोग समझो, अब बाहर नहीं किया जा सकता आप लोगों को, ये चीज़ें गलतियाँ होती हैं, हो जाती हैं, सबसे बस इन गलतियों को सुधार लिया जाए अपना एक एफिडेविट बनवा के। अब अगर आप लोगों ने बनवा लिया है तो उसे चेक करना कि मैं बता रहा हूँ जो आप लोगों ने सही बनवाया नहीं, और जिन्होंने नहीं बनवाया वो लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। जब भी आप अपना एफिडेविट बनवाने जा रहे हैं तो किसके पास जाना होता है आपको, वकील के पास नहीं जाना है एफिडेविट बनवाने, आप लोगों को एक टाइपिस्ट के पास जाना है। टाइपिस्ट ही क्या करवा देता है, एफिडेविट बनवा देता है, वो टाइप करेगा एफिडेविट को, देख 10 रुपये के स्टाम्प के ऊपर उसे करवा लेना है आपको, उसमें क्या करेगा 10 रुपये के स्टाम्प पर आपके एफिडेविट को वो टाइप करेगा, और क्या करेगा उस पर नोटरी करवा के देगा आप लोगों, किससे, किसी भी सरकारी वकील से क्या करवा के देगा, वो नोटरी करवा के देगा। आप लोग किसी टाइपिस्ट से कराएंगे तो 50 रुपये के अंदर, 50-60 रुपये के अंदर ये सारे की सारी प्रोसेस सारा काम हो जाता है। अब जो इसमें गौर करने वाली बात ये,
एफिडेविट बनवाने बस ऐसे मत चले जाना कि सर जी मेरी ऐसे ऐसे गलती है एफिडेविट बनवा दूँ। नहीं, एफिडेविट अगर बनवाने जा रहे हो आप तो आप जिस चीज़ को सही कराने जा रहे हो आप लोगों के पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए कि हाँ मेरी ये चीज़ ऐसे सही है। मान लो अगर आपको नेम गलत है तो आप लोगों को अपनी मार्कशीट या आधार कार्ड का एक फोटो स्टेट लेके वहाँ जानी पड़ेगी, उन्हें दिखाना पड़ेगा, उसे अटैच करते हैं, उन्हें बताना पड़ेगा कि ये ऐसे होना है और ये मेरे से ये गलती हो गई है। आपके रोल नंबर में या कहीं भी कोई चीज़ मान लो आपने गलत, आपने अपना 12th का 10th का रोल नंबर मान लो फॉर्म में गलत फिल कर दिया है तो आपको अपनी मार्कशीट की फोटो स्टेट वहाँ पर ले जानी पड़ेगी और उन्हें दिखाना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये है और ये गलती से ये हो गया है। तो प्रूफ के लिए आप लोग उसके फोटो कॉपी लगानी पड़ेगी या फिर उनको दिखाना पड़ेगा, एक बार आपको ले जाना ही होता है, अदरवाइज ऐसे वो नहीं बनाते हैं। तो आई होप आप लोगों को जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। जब भी एफिडेविट बनवाने जाएँ अपना एक प्रूफ साथ में लेकर जाएँ। और आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली को आप लोग बढ़ाते रहिए, मैं अच्छी से अच्छी रिसर्च करके आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहूँगा। जो भी टॉपिक होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते रहिए, टेलीग्राम पर पूछते रहिए, मैं आप लोगों को जो भी जेन्युइन टॉपिक लगेगा उस पर वीडियो बना के आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।